प्रत्यक्ष रूप से चलता ही कारण प्रजातंत्र में प्रजा का ही राज होता है, लेकिन हमारे देश में पॉलिटिशियंस ही राजा बनकर बैठे हुए हैं, वोटर्स भिखारी बन गए। इलेक्शन में पॉलिटिशियंस अपने मैनिफेस्टो में ये करेंगे वो करेंगे, बकरी देंगे भैंस देंगे घर बनवाएंगे स्लैब डलवाएंगे कहकर पब्लिक के वोट हासिल कर लेते हैं, यही करके बैठ रहे। हमारे बच्चे भी आपके बच्चों की तरह कॉर्पोरेट पढ़ाई करेंगे, ऐसे ही मरीज लाइन में नहीं खड़े होंगे, डॉक्टर उनके घर जाकर इलाज करेंगे। हमारी मुसीबत में कलेक्टर हो या एमएलओ, जरूरत पड़े तो सीएम पीएम को भी हमारे यहाँ आना होगा, ये अपने मैनिफेस्टो में लिखना पड़ेगा। सामाजिक रूप से नौकरी शिक्षा सारे क्षेत्र में विकास करने को कहो, तभी आप अपना विकास कर सकते हैं। थोड़ा घर के बताएंगे सर, अभी रोटी कपड़ा और मकान नहीं चाहिए, विद्या वैद्य और राजनीति क्या ये तीनों करप्ट हो गए, इन सबका कारण कौन है? आप मरने वाले इंसान को जब खून की जरूरत होती है तब वो ये नहीं पूछते व्यक्ति का, जब खून की कोई जात पात नहीं होती तो वोट करते वक्त जात पात की बात क्यों करते हो? अगर हर स्टेट में ऐसे ही चलता रहा तो राष्ट्रगीत कोई नहीं गाएगा, हर कोई अपनी अपनी जाति के गीत गाएगा, फूट पड़ जाएगी लोगों में। इसलिए मेरी जात मेरा मत मेरा वर्ग कहकर झगड़ा मत कीजिए, मेरे गांव का मेरे राष्ट्र का होना चाहिए ये सोचिए, तभी किसी दिन किसी महानायक का जन्म होगा। वोट करने वाले हर इंसान को ईश्वर की कसम खाकर वोट देना होगा। ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? सरकारी नौकरी वाले ब्यूरोक्रेट्स एमएलए एमपी सीएम पीएम आखिर में राष्ट्रपति भी ईश्वर की शपथ लेते हैं। अगर आप ऐसे ही जात पात का टंका बजाकर वोट करते रहे तो कॉर्पोरेट कंपनियां इस देश पर एक न एक दिन राज करेंगी। आम आदमी कानून से चलेगा, कॉर्पोरेट भी कानून से चलेगा, आप ही फैसला कीजिए। आपसे आफ्टर ऑल पब्लिक नहीं बीवेयर ऑफ पब्लिक कहना होगा, आपसे वोट मांगने के लिए डरना होगा अगर वो करप्ट है। देश का भविष्य नेताओं के हाथ में नहीं वोटर के हाथ में, सोच समझ कर वोट कीजिए, तभी देश का विकास होगा। जय हिंद।